पटना के BIA हॉल में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के द्वारा एक बैठक की गई। बैठक में इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबाटी कृष्णामूर्ति, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश कुमार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि बिहार में मजदूरों की स्थिति ठीक नहीं है, सरकार मजदूरों के उत्थान पर ध्यान नहीं दे रही है। ऐसी स्थिति में इंटक बिहार में एक सशक्त मजदूर आंदोलन के लिए नए पदाधिकारियों की नियुक्ति कर रहा है। बिहार के नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार और प्रदेश महिला अध्यक्ष रीना गुप्ता को नियुक्त किया गया है। इससे बिहार में इंटक के संगठन को मजबूती मिलेगी। और आज मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इस मजदूर संगठन के साथ, मुझे पूरे बिहार की जिम्मेदारी मुझे मिली है और मैं अपनी पूरी टीम को मैं भरोसा दिलाता हूँ कि मुझे जो स्थान मिला है, अपने स्थान पर मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूर्णतः निर्वहन करूँगा और बेहतर से बेहतर करूँगा ताकि मजदूरों का साथ ने उनका मौजूदा हक उन्हें प्राप्त हो। जो हमारे मजदूर हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो तो कुछ भी कर ले रहे हैं, वो रिक्शा चला रहे हैं, टेम्पू चला रहे हैं, कुछ भी कर ले रहे हैं, लेकिन हमारे पढ़े लिखे हुआ जिनकी योग्यता जो है हमारे देश में उनके उम्मीद से, उनकी पढ़ाई से ज़्यादा है, बट उन्हें वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण बहुत बड़ी बेरोजगारी की संख्या है। हम उनके हक के लिए, उनके लिए जो भी ऊपर से जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमें जो आदेश करेंगे, हम उसका पालन करेंगे। ये मजदूरों के साथ में जितना अन्याय हो रहे, जितना मिनिमम वेजेस भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, और ये बिहार में एक नया अध्यक्ष लेके पूरा डिस्ट्रिक्टों में काम करके मिनिमम वेजेस इम्प्लीमेंट होने का काम हम शुरू कर रहे हैं। हर जगह का महिला मजदूरों का भी बहुत अन्याय चल रहा है, महिला मजदूरों का भी बहुत शोषण चल रहा है, उन लोगों को भी यूज़ करके पैसे नहीं दे रहे टाइम पे, और बहुत बुरी बुरी हालत हो रही है। इसी वास्ते महिला मजदूर प्रेसिडेंट को भी हम बनाए बिहार में, आने वाले दिनों में संगठन को मजबूर करके, अभी 30 लाख असंगठित मजदूर अपने पास है, अभी आने वाले दिनों में इसको 1 करोड़ का असंगठित मजदूरों को बना के हम और उसका न्याय दिलाने के प्रयास करेंगे।